समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों पर। झांसी में गैंगस्टर एक्ट के एक आरोपी की आज लगभग 48 लाख की संपत्ति को जिला प्रशासन द्वारा कुर्क कर लिया गया है। इसके अलावा आरोपी की लगभग 16 करोड़ की संपत्ति को भी सूचीबद्ध कर दिया गया है, जिसे क्रमवार कुर्क किया जाएगा। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत उन्नाव गेट बाहर पंचवटी कॉलोनी में रहने वाले अब्दुल कदीर के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी। यह मुकदमा जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चल रहा था। जिला मजिस्ट्रेट ने इस मामले में आरोपी की संपत्ति को कुर्क किए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुपालन के लिए आज पुलिस और प्रशासनिक अफसरों की टीम भारी पुलिस बल के साथ पंचवटी स्थित अब्दुल कदीर के बंगले पर पहुंची और पूरे बंगले को सीज कर दिया। पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार अब्दुल कदीर के नाम लगभग 16 करोड़ की संपत्ति है, जिसे कुर्क किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस मामले में अब्दुल कदीर की पत्नी ने पुलिस तथा प्रशासन पर मनमाने ढंग से कार्रवाई किए जाने का आरोप लगाया है। झांसी से समाचार बुंदेलखंड के लिए मनीषली की रिपोर्ट। आए सील बील करने आए, उसके लिए हमने ये प्रार्थना पत्र लिखा है कि हमें 24 घंटे का समय दे दो, हमारे साथ दो जवान हमारी बेटियां हैं, इनको लेके कहाँ जाए। इनके पापा बाहर गए हुए इलाहाबाद में इसी चक्कर में कि ये सब स्टे विस्टे ले ले इसका। अब घर में कोई भी नहीं है, किसके दरवाजे चले जाए। क्या कार्रवाई हो रही है? ये जब्त कर रहे हैं, घर को सील बील कर रहे हैं शायद। कहाँ रहेंगे? हम कहाँ रहेंगे? यही तो हम इन लोग से 24 घंटे का समय मांग रहे हैं। इनके पापा आ जाएं एक बार, उनसे पूछेंगे कहाँ कोई घर वर ढूंढेंगे, जब कहाँ चले जाएं हम लोग। इससे पहले पुलिस ने सूचना दी थी आपको? एक दिन पहले ही आया था ये। 3 दिन पहले सूचना नहीं थी? हाँ, ये कह रहे हैं कि 2-3 दिन हो गए, परसों रात में आया। तो अब ये तो थे नहीं, तो हम अकेले क्या कर लेते? हस्बैंड हमारे बाहर ही है इसी सिलसिले में। कहाँ आप लोग कहाँ जाएंगे? समझ में ही नहीं आ रहा हम लोग कहाँ जाएं, किसके घर चले जाएं। कोई भी नहीं है यहाँ, रिश्तेदारों को भी फ़ोन कर रहे, कोई नहीं आए, सब बाहर हैं रिश्तेदार भी। कोई आ जाए, 24 घंटे की मोहलत मांग रहा है, 24 घंटा मिल जाए, फिर उसके बाद हम लोग लेंगे डिसीजन कि कहाँ जाएँ कहाँ नहीं जाएँ। ये गैंगस्टर एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा 14-1 में कार्रवाई करते हुए संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया गया है। इसके संबंध में ये कदीर खान पुत्र सफ़ी, इनकी ये मकान नंबर जो यहाँ दतिया गैर बाहर है, इसको आज सीज किया गया, जिसकी कीमत 48 लाख लगभग है। और इसको सीज करने के बाद और भी इनके नाम जो संपत्ति हैं वो सीज की जा रही है। किस तरह संपत्ति हो रही है इनके? और इनके नाम कुछ प्लाट हैं जो शहर में ही विभिन्न जगह हैं, कुछ यहाँ झांसी खास में हैं, कुछ और गांव एरिया में हैं, तो उन सब की जो नगर क्षेत्र में आते हैं उन सब के भी सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। पत्नी ने आरोप लगा हमें समय दिया और हम लोग कहाँ जाएंगे कहाँ रहेंगे जी? जो नोटिस है, नोटिस इनको शनिवार को ही रिसीव करा दी गई थी और ये कार्रवाई के लिए बता दिया गया था। सामान्यतः 24 घंटे की ही नोटिस दी जाती है, लेकिन फिर भी इनको हम लोगों ने पर्याप्त समय दिया था। टोटल ब्यौरा कलेक्ट किया गया कि कितने की संपत्ति थी? हाँ, सारे ब्यौरे कलेक्ट हैं और वो जैसे जैसे ये आज मकान सीज हुआ उससे सारी संपत्ति इनकी जो है सीज की जा रही है। जो जिला मजिस्ट्रेट के आदेश में जिन जिन संपत्तियों का उल्लेख है उसको हम लोग सीज कर रहे हैं। आज संपत्ति जब्त की जा रही है, उसकी कीमत? इसकी कीमत 48 लाख है और अन्य और जो संपत्तियां लगभग इनकी 16 करोड़ की संपत्ति जो है सीज की गई है। सर, पत्नी आरोप लगा रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, क्या लगता है? नहीं, एक तरफा नहीं, सारा जो है नियम कानून से जो कोर्ट के डिसीजन, कोर्ट के जो आदेश हैं उसके आधार पर ही कार्रवाई की जा रही है।